का बुक्का तीन तलव का लौवा लाठी चंदन काठी चंदन नामी इजई इजई पन वफुले सरी ले पुआ पचक पचक गया। उक्का बुक्का तीन तलो का लौवा लाठी चंदन काठी चंदन नामी इजई इजई ले पुआ पचक। क्या बात है बीना, मुस्कुरा रही हो आज, ये देखकर अच्छा लगा। सुनकर धन्य हो गए, छाती जुड़ा गई हमरी। 10 साल में कम से कम पहली बेरी कहा तो कि हमको देखकर अच्छा लग रहा है। सच में तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम खुश नजर आ रही हो। हाँ। और बात क्या है? है कौनो बात? हमको नहीं बताओगी का? मेहरारू लेखा सब बात जनने बिना आपके पेट का पानी नहीं पचता। अरे हम थोड़ा सा खुश का हो गए, आपके तो शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया। अरे तुमसे तो कुछ कहना भी बेकार है, हर बात का उल्टा अर्थ लगाते, पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। हमारे दिमाग को आप छोड़िए, आप अपने दिमाग की बात कीजिए। बीमारी में पड़े पड़े बस जासूसी सोचती है आप। वीना तुम हर बात को उल्टी नजर से मत देखा, हमारे बच्चे भी तुम्हें खुश देखकर खुश होते हैं, पर तुम्हें उनकी खुशी का कोई ख्याल नहीं। बस बस, ज्यादा उनकी तारीफों के पुल मत बांधी, हम भी कौनो डी पर से नहीं आए, 24 घंटे रहते हैं उनके साथ, वो कहाँ है और कौ कौ करते हैं ना सब जानते हैं। ऐसा क्या कर दिया हमारे बच्चों? आपकी लाडली नैना के बारे में सुनेंगे ना तो आंखों के आगे अंधियारा छा जाएगा आपकी। क्या किया हमारी नैना? क्या किया हमारी नैना ने? जानते हैं हम कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रही हो? पुनीत बाबू के घर से, गंगोत्री देवी ने बुलाया था। गंगोत्री देवी? हाँ, पुनीत बाबू की माई। काहे को बुलाया था? कह रही जा 2 रुपए के बिस्कुट, 2 रुपए के बिस्कुट ले क्या, जा जल्दी जा, जा जा जल्दी। कह रही थी कि आपकी बेटी उनका बेटा के संगे रंगरलिया मना रही है। क्या? अब ज्यादा काकू मत कीजिए और चुपचाप हमारी बात सुनिए। गंगोत्री देवी कह रही थी कि आपकी बेटी उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसा रही है, उनके बेटे को छीन रही है उनसे। और इतनी मुसीबत में उन लोगों ने हमारी मदद की, जिस नाव में बिठाकर उन्होंने हमें पार लगाया उसी में छेद कर दिया। आपकी बेटी को नागिन कह रही थी, कह रही थी जिसे हमने दूध पिलाया उसी ने टस लिया। चुप हो जा, एकदम कुछ भी नहीं सुना। नहीं कर सकते, मैं अभी फौरन अभी इसी वक्त उससे मिलना चाहता हूँ, बुलाओ उसे। ज़्यादा चिचियाइए मत, इसी वक्त अभी उसे फौरन मिलना चाहता हूँ। अरे यहाँ होगी तभी तो बुलाएंगे। कहीं कहाँ? लालगंज। लालगंज? अब ऊंचो भी सुनने लगे हो कहाँ? अकेले गई? अकेले? अरे आपकी बेटी कौनो कम नहीं है, उसने तो जो जो गुल खिलाए हैं ना। अरे दादा, 4 दिन में उनका 24 साल का बेटा छीन लिया, इसलिए धक्के मारकर मुंह से घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब होने के बाद उसे यहाँ रखती? नहीं नहीं, कुल कांड करने की खाते। Jim, 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 Jim.
ऐसा लग रहा जैसे जैसे देह में प्राण लौटा है। बदमाश अपनी मां को अधमरा करके चले गए थे। नहीं माँ, हम तो चाहते हैं माँ कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अरे नहीं नहीं, इतनी लंबी उम्र लेकर हम क्या करेंगे। लंबी उम्र की जरूरत तो आप सब बच्चा लोग को है। हमारी खुशी के लिए हमारी बात मानकर आपने सिद्ध कर दिया माँ कि आप हमें कितना प्यार करती हैं। नैना से शादी की रजामंदी देकर आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और बेशकीमती उपहार दिया है। माँ बाप की खुशी बेटे की खुशी में होती है ना। अगर अगर आपकी खुशी नैना से ब्याह करके है तो फिर हम सबको का एतराज हो सकता है। हम सब ने नैना को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है और आप ऐसे लड़की भी इतनी सुंदर और सुशील जो लाए हैं। माँ हम जानते हैं बेटा, थोड़ा फर्क जरूर है लेकिन जैसे महारानी मैया की मर्जी, ईश्वर ने आसमान में एक चांद बनाया और उस चांद के साथ छोटे छोटे सितारे भी बनाए हैं। हमारे हैसियत के इस आसमान में
नैना जैसा एक छोटा और नन्ना सितारा अगर आ जाएगा तो शायद कोई फर्क नहीं रहेगा। हम उसे अपनी चमक से चमकदार बना देंगे। हम जानते हैं, आपको भी जानते हैं माँ और नैना को। क्यों राज बाबू? अरे बिल्कुल भैया जी, देखिए संगत से गुनाहत है, संगत से गुनजात। नैना जिस दिन इस घर की बहू बन के आ जाएगी तो उसमें जो छोटी मोटी कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी। और फिर आप तो है ना। हाँ माँ, माँ नैना द्रव है, उसे आप जैसे भी पात्र में ढालिएगा ना वो वैसा रूप ले लेगी। और हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको उससे शिकायत का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। अपने बेटे की खुशी का खातिर हम भी उसे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप ना माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। हमने आप लोगों का दिल दुखाया, आप सभी को ठेस पहुंचाई। हमारी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया जी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्यों माता जी? बस भैया जी, आप आ गए, हम सब अपना दुख भूल गए। हाँ पुनीत, तुम सदा सुखी रहो, खुश रहो, हम सब तो यही चाहते हैं। हाँ दीदी, अब तो बेटा आ गया है, तब कहें रो धो रही हैं। लोर पोछिए और बाहर चलिए, पंडित जी आ गए होंगे कुंडली मिलाने और लगन का मुहूर्त निकालने के लिए। चल के सुधी निकलवा के पतो परिचने की तैयारी कीजिए। आइए चलिए। अरे पंडित जी, हाई स्कूल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कि शादी का डेट निकाल रहे हैं? जल्दी करिए ना महाराज। जजमान, कन्या की कुंडली। पुनीत जी, बाबूजी नैना की कुंडली देना। नैना की कुंडली तो हमारे पास नहीं है। नहीं है? अरे तो बेटा नैना को फोन करिए और उनसे कुंडली मांग लीजिए। जी माँ। हेलो नैना। पुनीत बाबू। वो नैना पंडित जी घर पर आए हुए हैं और वो शादी के लिए हमारी कुंडली मिला रहे हैं। उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए। जी, लेकिन हमारा पास तो हमारा कुंडली नहीं है और हमको पता भी नहीं है कि हमारा कुंडली कहाँ रखा है। आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं है पता? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करूँ। माँ, नैना को अपनी कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं। जी क्या हुआ? नैना के पास उसकी कुंडली नहीं है। पंडित जी, नैना की कुंडली नहीं है। नहीं क्या? पंडित जी अब क्या होगा? उपाय बाज अजमान, सब उपाय बाज। क्या उपाय? कन्या का जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय, अब माँ बाप का नाम मिल सके ना? हाँ पंडित जी, ये जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, पता कर लीजिए, उसकी कुंडली बन जाएगी। जी बस हम आपको भी बताते हैं। राजू उमा के साथ पर ताली दौड़कर दौड़ा दौड़ा गया, उमा भी पीछे पीछे। पुनीत बाबू। हेलो नैना, हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। जानकारी? कैसन जानकारी पुनीत बाबू?
आपका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है? जी, हमारा जन्म तो लालगंज में ही हुआ है। और आपका जन्म का समय? हाँ, रात को 9:45 पर। अच्छा नाना, पिताजी का नाम तो मैं जानता हूँ आपका, माताजी का नाम क्या है? जी, स्वर्गीय श्यामा देवी। अच्छा ठीक है, हम आपको बाद में। मिल गए सल बबुआ। हाँ लिखिए। हाँ बतावा। जन्म स्थान लालगंज। लालगंज जन्म स्थान। जन्म समय रात्रि 9:45। जन्म समय 9:45 रात का। रात का, रात। जन्म तारीख 3 जनवरी। जन्म तिथि 3 जनवरी। जी पिताजी का नाम? मेरे? जी नहीं, कन्या के पिता का। ओह, श्री दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा जी जी। और माता जी का नाम? स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी। स्वर्गीय, ठीक है जज्बा, बात नहीं बहुत है। लालगंज 9:45 रात्रि। जजमान क्या हुआ पंडित जी, कुछ पता चला? कुंडली तो बड़ा उत्तम बा जजमान, पर आपका गन्ना क्या कह रहा है वो कहिए। 36 में से 33 गुण मिलता है जजमान वा। हाँ बस एक अर्जन वा। पंडित जी, हम इन सब बातों को नहीं मानते। जो हम पवित्र बंधन में हम पुनीत बाबू से बनने जा रहे हैं, वो जन्म जन्म तक प्यार और विश्वास की धागा से बंधा रहे। आप सिर्फ अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े के साथ अपना आशीर्वाद देकर हमारे साथ विदा कर दीजिएगा।